हेलो स्विमर्स, देखिए 2023 का डे वन स्टार्ट हो गया है और जो प्रॉपर स्विमिंग वीडियो है उससे आने से पहले मैं आपको स्विमिंग कैप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था कि सर आप जो कैप पहनते हैं वो कौन सी है, और या तो जो आप लोग पहनते होंगे या किसी और को देखे होंगे डिजाइन वाली, तो उन सब कैप में डिफरेंस क्या होता है और जो कॉम्पिटिटिव कैप होती है वो कौन सी होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए मैं तो तीन तरीके की कैप लेके आई हूँ। एक जो मैं पहनता हूँ ये आपने देखा होगा, ये जो मैं पहनता हूँ, एक ये जो प्रैक्टिस में ज्यादातर लोग पहनते हैं, ठीक, और ये भी एक प्रैक्टिस वाली ही कैप है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस, तीनों में बल्कि डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है कि जैसे आप ये देख रहे होंगे ये कैप, तो इस कैप का डिजाइन ही आप देख रहे होंगे कि हेड जैसा ही है, ठीक है, कहीं मुड़ा वगैरह नहीं है मतलब। और इन इन सब कैप का देख रहे होंगे, जैसे ये कैप है, इसको अगर ऐसे हम लोग रख भी देंगे तो ऊपर से राउंड शेप में रहता है, और बाकी इस कैप को देखो, इस कैप को रख रहे हैं तो एकदम फ्लैट, और इस कैप को रख रहे हैं तो भी ये इसमें व्रिंकल्स वगैरह सिकुड़न है। तो अभी मैं बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। पहला तो है कि ये जो कैप होती है ये प्रैक्टिस वालों की होती है, इसको लोग प्रैक्टिस में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हल्की कैप होती है, स्ट्रेच काफ़ी होती है, ठीक, और इसमें मतलब प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट होती है, इसमें जो सर नहीं दबता है, ठीक। और जो ये कैप होती है, ये कैप होती है कॉम्पिटिटिव कैप, जो मैं पहनता हूँ वो कॉम्पिटिटिव कैप है, लेकिन ये काफ़ी यूज़ हो चुकी है, इसलिए थोड़ी सी ढीली हो गई, लेकिन इसको आप लोग जो बिगनर्स लोग हैं वो मत पहनिएगा, वरना ये हेड को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देगी कि फिर आपका सर दर्द होने लगेगा। और बाकी ये दोनों कैप है, ये देखिए ये कैप उससे भी हल्की है, ये कैप बहुत हल्की है, आप देख रहे होंगे एकदम कपड़े मतलब पन्ने जैसी है, तो ये कैप बहुत हल्की होती है, लेकिन ये स्ट्रेच काफ़ी होती है, ठीक। तो स्ट्रेच होती है, जो जिनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं उनको वही वाली कैप लेनी चाहिए जो थोड़ी स्ट्रेच ज़्यादा हो, ताकि उनका बाल कम्प्लीटली उसमें कवर हो जाए। अब इस कैप की बात करें तो ये डोम कैप भी बोलते हैं इसको, मोल्डेड सिलिकॉन कैप भी बोलते हैं, और मतलब ये कैप बेसिकली उसी लिए यूज़ होती है कॉम्पिटिटिव के लिए। और इसका आप शेप देख रहे होंगे कि ये राउंड है ना, तो जब इसमें वाटर पड़ता है, जैसे वाटर ये है, जब इसमें वाटर यहाँ पड़ता है ना, तो इस साइड साइड तुरंत मुड़ वो निकल जाता है पानी, तो इससे रेजिस्टेंस नहीं बनता। अब जैसे जैसे ये कैप है, जब इस कैप में क्या होता है, जैसे ही इसमें गया तो वाटर यहाँ पे रुकता है, तो सेम चीज़ स्विमिंग में भी जब हम लोग इसको पहनते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ पे यहाँ ऐसे ऐसे सिकुड़ा रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो इसको अगर कॉम्पिटिटिव में कोई यूज़ करेगा तो जैसे जो यहाँ पे व्रिंकल्स रहते हैं ना, तो यहाँ पे पानी रुकने लगता है, और इसको कोई अगर पहनेगा कॉम्पिटिटिव में तो ये एकदम चिकनी रहती है, मतलब एकदम स्मूथ रहती है, तो फिर पानी इस पर आएगा और तुरंत कट के निकल जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब ये सब आप लोग के लिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत लोग कॉम्पिटिटिव स्विमर हैं और उनके लिए ये कैप बहुत यूज़फुल होती है कॉम्पिटिटिव के लिए, लेकिन सिर्फ रेस में, प्रैक्टिस में मत यूज़ करिएगा। और जैसे कि मैं बात करूँ तो टोक्यो 2008 जो ओलंपिक हुआ था उसमें 7th रेस जो थी माइकल हब्स की, उसमें उसने माइक्रो सेकेंड से रेस जीती थी, मतलब 1/100th ऑफ द सेकेंड इससे जीती थी। तो उसका मेनली मतलब उसमें जैसे कि हर चीज़ का उसमें यूज़ होता है, लेकिन जैसे कैप है, कैप आपकी सबसे आगे होती है, जब आप स्विमिंग करते हैं तो हेड सबसे आगे होता है, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने हटा दिया, मतलब अगर क्या कहते हैं डिक्रीज कर दिया या उसको जीरो कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर आपका पॉइंट जो सबसे आगे का है, अगर उस हिस्से में आपने रेजिस्टेंस कम बना लिया, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी पानी को काटते हुए जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे इस कैप में आप देखिए, इस कैप को अंदर से पलट के आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा, एकदम प्लेन कुछ नहीं है, देख लीजिए एकदम प्लेन कैप है। और यही अगर ये जो कॉम्पिटिटिव कैप है जो मैं पहनता हूँ, आप इसको देखिए, जब इसको मैं पलटूंगा, ये देखिए इसमें आप देखें डॉट डॉट डॉट, और ये डिजाइंस बनी हुई है, ये डॉट डॉट, ये लाइनिंग आप देख रहे होंगे नीचे बनी हुई है, तो ये उसी लिए होती है कि जब हम इसको पहनते हैं ना तो काफ़ी अच्छा एकदम ग्रिप बना लेती है, जब ग्रिप बना लेती है तो एक बार जैसे आपने सेट कर लिया इस कैप को तो कैप उसी तरह सेट रहेगी। तो ये तीन, और ये वाली कैप भी देख लीजिए, इस कैप का भी दिखा देता हूँ, इस कैप में लाइनिंग तो बनी होती है लेकिन काफ़ी हल्की कैप होती है ये, ठीक। ये देखिए इसको मोड़ा मैंने तो ये देखिए इस तरह बन गया ना, तो यही चीज़ सेम जब आप स्विमिंग भी करते हैं, स्विमिंग करते टाइम भी इस तरह ऐसे 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 मुड़ जाता है, तो उसे पानी रुकने लगता है, तो इसलिए ये तीन कैप होती है। तो अब मैं रिकमेंड जो करूँगा वो पहला है जिसके लॉन्ग एयर है वो एकदम सिलिकॉन कैप, जो स्ट्रेच ज़्यादा हो वो यूज़ करें, और जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको मतलब कोई रेस में अभी पार्टिसिपेट नहीं करना है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रैक्टिस कैप ये वाली होती है, वो नॉर्मल सिलिकॉन कैप आपको शायद 100 या 200 के अराउंड मिल जाएगी ये, और ये वाली कैप भी ऐसे 100-200 के अराउंड मिल जाएगी। और जो रेस करने जा रहा है, जो रेस वाले दिन अगर जिसको पहनना होगा कैप, वो ये पहनेगा, ये रेसिंग कैप है, ठीक।
और इसकी कॉस्ट जो होती है वो अराउंड 2000 या 2500 के अराउंड होती है, इसलिए महंगी कैब भी होती है। तो इसलिए इस कैब को देख के अच्छी तो लगती होगी जब आप देखते होंगे, लेकिन इसको यूज़ मत करिएगा, फालतू में आपका हेड पेन होगा, सर में दर्द होगा, तो आप लोग को फिर स्विमिंग में भी तकलीफ होगी। और जैसे हम जैसे कॉम्पिटिटिव स्विमर है उसके लिए तो ये नॉर्मल बात है, ये तो डेली यूज़ करता होगा तो उसको तो आदत पड़ गई है। तो ये तीन तरह की कैब मैंने बता दिया, ये तीन कैब हो गई। इन तीन कैब के अलावा भी कई कैब होती है। एक एक जो आप साइड में फोटो देख रहे होंगे वो कपड़े वाली कैब जो होती है वो भी आपने पूल में देखा होगा। एक होती है वाटर पोलो वाली कैब। वाटर पोलो वाली कैब में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा जैसे हेडफोन्स टाइप का बना होता है, ताकि जैसे वाटर पोलो में क्या होता है कि कई सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो क्लियरली सुनाई दे, इसलिए वहाँ पे वो बनाया जाता है कि मतलब आवाज़ क्लियरली वो लोग सुन पाए, ठीक। और एक कैब होती है वो ओपन वाटर कैब होती है, मतलब ओपन वाटर स्विमिंग में यूज़ करते हैं। तो वो तीनों मतलब फोटो आप इधर देख रहे होंगे तो इसी तरह की कैब होती है, लेकिन इन सब की जरूरत आपको नहीं है। जरूरत आपको मेनली ये सिलिकॉन कैब जो 150 या 200 रुपए की आती है वो लीजिएगा और उसी से अभी यूज करिएगा। अब आई होप कि ये डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कैप आपको यूज करनी है और कौन सी कैप आपको नहीं यूज करनी है, ठीक। तो और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।